हेलो एवरीवन, आज की इस लेक्चर में हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन कोर टाइप एंड शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर। ये दोनों टाइप जो है ट्रांसफॉर्मर के, ये इसके कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे है। और ये क्वेश्चन यूजुअली स्टूडेंट्स से पूछा जाता है कि कोर टाइप और शेल टाइप में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए हम देखते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। जो सबसे पहला डिफरेंस है वो है कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर में कोर का मैक्सिमम पोर्शन वाइंडिंग से सराउंड होता है। और यदि हम इस कंस्ट्रक्शन में देखें तो देखिए, दिस इज कोर और कोर के ऊपर वाइंडिंग की हुई है, ठीक है। इट मींस कोर का मैक्सिमम पोर्शन इस वाइंडिंग से सराउंड है। ये सिंगल फेस है और ये थ्री फेस कंस्ट्रक्शन है। शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर में वाइंडिंग का मैक्सिमम पोर्शन कोर से सराउंड होता है। इसका यदि हम डायग्राम देखें तो ये देखिए, दिस इज द कोर एंड दिस इज द वाइंडिंग। तो इस वाइंडिंग का मैक्सिमम पोर्शन इस कोर से सराउंड है। ये सिंगल फेस है एंड ये थ्री फेस कंस्ट्रक्शन है। तो कंस्ट्रक्शन के आधार पर मेन डिफरेंस ये होता है। सेकेंड, कोर टाइप ट्रांसफार्मर में जो हम लैमिनेशंस का यूज़ करते हैं वो एल शेप होते हैं। इट मींस यदि हमें कोर को डिज़ाइन करना है, कोर टाइप डिज़ाइन बनाना है, तो हमें इस तरीके के एल शेप लैमिनेशंस का यूज़ करना होगा। और जब यदि हमें शेल टाइप ट्रांसफार्मर को डिज़ाइन करना है तो इसमें हम ई एंड आई शेप लैमिनेशंस का यूज़ करते हैं। एक्चुअली लैमिनेटेड कोर हम डिज़ाइन करते हैं, ये देखिए, हम एक सॉलिड आयरन पीस ना लेकर ऐसी ई टाइप और आई टाइप लैमिनेशन की स्ट्रिप काटते हैं और उसे फिर जॉइन कर देते हैं। ये लैमिनेटेड कोर हम डिज़ाइन करते हैं टू रिड्यूस द एडी करंट लॉसेस। तो जो शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर है उसमें हम ई शेप और आई शेप का यूज़ करते हैं, और जो कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर है उसमें हम एल शेप का यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पर, ये दिस इज़ द एल शेप एंड दिस इज द एल शेप। जब आप इसको ज्वाइन कर दोगे तो यू विल गेट द कोर टाइप कंस्ट्रक्शन। और यहाँ पर ये ई टाइप है और आई टाइप है, जब आप इसे ज्वाइन कर दोगे तो यू विल गेट शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर। नेक्स्ट डिफरेंस जो है कोर टाइप एंड शेल टाइप में, कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर में हमें ज़्यादा कॉपर कंडक्टर की ज़रूरत होती है और शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर में हमें ज़्यादा आयरन की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि कोर टाइप में आप देखिए, कोर के ऊपर आप मैक्सिमम वाइंडिंग प्रोवाइड कर रहे हो, तो वाइंडिंग्स क्या होती है, कॉपर कंडक्टर की बनी होती है। तो यहाँ पर हमें ज़्यादा कॉपर कंडक्टर रिक्वायर होता है, जबकि शेल टाइप में या दिस इज़ अवर कोर पोर्शन, कोर का हमारी वाइंडिंग का मैक्सिमम पोर्शन इस कोर से सराउंड है, तो हमें ज़्यादा आयरन की ज़रूरत है। क्योंकि कोर किस चीज़ की बनी होती है, आयरन की बनी होती है। इसलिए यदि हम इसमें कंपैरिजन करें तो कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर में कॉपर लॉसेस ज़्यादा होते हैं और शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर में आयरन लॉसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट यदि हम देखें तो कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर को हम सिलेंड्रिकल और कोर वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो वाइंडिंग्स का अरेंजमेंट होता है वो कॉन्सेंट्रिक कॉइल्स होती है जैसे। और दूसरा, शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर में हम जो वाइंडिंग्स यूज़ करते हैं वो सैंडविच टाइप होती है, उसको जो हम प्लेस करते हैं वो सैंडविच फॉर्म में करते हैं। इसलिए हम शेल टाइप को सैंडविच और डिस्क वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर भी कहते हैं। कंस्ट्रक्शन वाइज यदि डायग्राम से इसको समझे तो देखिए, दिस इज़ द कोर और कोर के ऊपर आपने कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग कर दी है, तो ये कोर टाइप के लिए हो गया। और यहाँ पर जो वाइंडिंग करी है एल वी एच वी की सैंडविच टाइप हमने किया है, मतलब यहाँ सैंडविच हमने कर दी है। एल वी के आसपास, आपका एच वी के आसपास दो एल वी लगी हुई है, ठीक है, या एच वी के ऊपर नीचे दो एल वी लगी हुई है। तो इस तरीके से जो शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर है उसमें हम सैंडविच वाइंडिंग यूज़ करते हैं, और जो कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर है उसमें हम कॉन्सेंट्रिक या सिलेंड्रिकल वाइंडिंग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है, यदि डिफरेंस देखें तो कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर में ओनली दो लिम्ब्स होते हैं और शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर में थ्री लिम्ब्स होते हैं। लिम्ब्स का मतलब होता है दिस इज़ द वर्टिकल पोर्शन। तो कोर टाइप में दो वर्टिकल पोर्शन से दो ही लिम्ब्स है, लिम्ब्स यानी होती है भुजाएं,
तो इसकी दो ही भुजाएं हैं, और यहाँ पर हम देखें तो शेल टाइप में थ्री भुजाएं हैं, एक दो तीन, थ्री लिम्ब्स हैं। तो शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर में तीन लिम्ब्स होती है और कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर में ओनली टू लिम्ब्स होती है। नेक्स्ट, कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर में केवल एक ही मैग्नेटिक सर्किट होता है, जबकि शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर में दो मैग्नेटिक सर्किट होते हैं। मैग्नेटिक सर्किट से मतलब है, यदि दिस इज द कोर टाइप कंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पे जो फ्लक्स आपका इंड्यूस होता है वो कोर में केवल एक ही पाथ बनाता है। मतलब यहाँ पर फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन दोनों ही वाइंडिंग में सिमिलर होगा। जो फ्लक्स प्राइमरी से लिंक हो रहा है, सिमिलर फ्लक्स आपका सेकेंडरी से भी लिंक होगा। बट जो शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर है, यहाँ पर फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन इन द कोर डिफरेंट होता है। इसमें जैसे मैंने बताया दो तीन लिम्ब्स होती है, तो जो आउटर की दो लिम्ब्स होती है वो हाफ ऑफ द फ्लक्स कैरी करती है, जबकि जो मिडिल लिम्ब होती है वो टोटल फ्लक्स कैरी करती है। तो टोटल फ्लक्स का हाफ ऑफ द फ्लक्स दो आउटर लिम्ब्स कैरी करती है और मिडिल वाले लिम्ब जो है वो मैक्सिमम फ्लक्स कैरी करती है। तो कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर में फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होता है, बट शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर में लिम्ब्स में फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट डिफरेंस है, कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर में जो मैंने अभी बताया कि फ्लक्स इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड टू द साइड लिम्ब ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, एंड इन शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर द लिम्ब्स कैरी द होल ऑफ द फ्लक्स। मिडिल लिम्ब मीन्स सेंट्रल लिम्ब कैरीज द होल ऑफ द फ्लक्स एंड द साइड लिम्ब्स कैरी द हाफ ऑफ द फ्लक्स। ओके, डायग्राम से यदि हम देखें, अभी मैंने समझाया इसको, अब एप्लीकेशन के आधार पर हम देखें तो कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर जो है उसको हम हाई वोल्टेज एप्लीकेशंस में यूज़ करते हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर, पावर ट्रांसफॉर्मर एंड ऑटो ट्रांसफॉर्मर। शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर में हम शेल टाइप को यूजुअली हम लो वोल्टेज एप्लीकेशंस में यूज़ करते हैं, जैसे जो हमारे स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं या पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर्स, वहाँ पर हम शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर का यूज़ करते हैं। कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर को हाई वोल्टेज पर यूज़ करने के बहुत से कारण हैं। जैसे हाई वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर मतलब इसकी केवीए रेटिंग जो होगी वो हाई होगी, एंड यदि ज़्यादा वोल्टेज है तो हमें ज़्यादा इंसुलेशन भी रिक्वायर्ड होगा। यदि इंसुलेशन रिक्वायर्ड होगा तो वाइंडिंग्स जो होगी वो हमारी बहुत ज़्यादा बल्की हो जाएगी। तो इन कोर टाइप डिज़ाइन बोथ द एलवी एंड एचवी वाइंडिंग्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन टू लिम्ब्स विच बिकम्स नेसेसरी एट टाइम टू एकोमोडेट द लार्जर वाइंडिंग, अदरवाइज द शेल टाइप डिजाइन वुड बी मोर इन हाइट टू अकोमोडेट द सेम वाइंडिंग्स। एम आई क्लियर? मतलब कि यदि आपने हायर वोल्टेज पर कोर टाइप को यूज किया है, इट मीन्स यू नीड अ आपको ज़्यादा कॉपर की ज़रूरत होगी, ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उसमें और ज़्यादा इंसुलेशन होगा, बट ये इंसुलेशन रिक्वायरमेंट होगा। तो यदि हमने कोर टाइप यूज़ किया है तो उसके पास दो लिम्ब है और दोनों पर आप एलवी और एचवी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन यदि सिमिलर रेटिंग का शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर डिज़ाइन करना होगा तो उसके पास केवल मिडिल लिम्ब पर ही आपको कोर को लगाना है, एलवी और एचवी जो वाइंडिंग से उसको लगाना है। तो उसका हाइट आपको इंक्रीज करना होगा क्योंकि आप एक ही लिम्ब पर दोनों वाइंडिंग्स को प्लेस कर रहे हैं। बट कोर टाइप में दो लिम्ब्स पे हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके वाइंडिंग्स को प्लेस कर सकते हैं। तो सेम पावर रेटिंग के लिए शेल टाइप की आपको हाइट इंक्रीज करनी पड़ेगी यदि सेम पावर रेटिंग की वाइंडिंग्स वहाँ पर प्लेस करनी है। तो इसीलिए दीज आर द रीजंस कि हम कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर को हायर वोल्टेज पर यूज़ करते हैं। और दूसरा रीज़न ये भी है कि जितने ज़्यादा हाई रेटिंग होगी आपकी हीट जनरेट, उतना ज़्यादा हीटअप होगा ट्रांसफार्मर, तो कूलिंग भी रिक्वायर्ड होगी। तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर में कूलिंग ज़्यादा ईजी होती है क्योंकि वाइंडिंग का मैक्सिमम पोर्शन एक्सपोज होता है, तो उसको कूल करना आसान हो जाता है एज़ कम्पेयर टू द शेल टाइप ट्रांसफार्मर। सो दैट्स ऑल, आई होप यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन द कोर टाइप एंड द शेल टाइप ट्रांसफार्मर। So, thank you. Have a nice day.